जो रोड जाता है ना आगे गाड़ी लग जाती है, फिर जनाब ड्राइवर को कहाँ ढूंढेगा, एक तो वो दिक्कत है, दूसरी दुनिया भर का जनाब वहाँ पे गंद पड़ता है दिन पर दिन, एक ये है, बाकी फोर लाइन वाली दिक्कत है, या तो जनाब फोर लाइन वाले को बोल के वहाँ पे वो कर दे विजिट कर दे। मैं तो विजिट किया, मैं तो कोई ऐसे गंदे नहीं देखा। नहीं वो तो चलो मैं आपको उसकी तरफ मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, दिखाओ उसके लिए। तो एक ये सर, ठीक है जी, एक सर एक ये आपके जहाँ पे आपने ये बैरियर लगाया ना सर, ये कोरोना वाला जहाँ जहाँ से ये वहाँ पे जनाब दिक्कत ये है कि जैसे मान लो जितना भी कोई मास्क है या कोई बोतलें हैं दुनिया भर का जनाब वहाँ पे गंद पड़ा है, ठीक है जी। उस चक्कर में जैसे हमारी ग्राम पंचायत रही है वहाँ पे मतलब इस मैं तो बोलता हूँ कि कोरोना अगर नहीं हुआ तो जनाब तब भी कोई दिक्कत हो जाएगी वहाँ। और अब टॉयलेट के लिए जहाँ पे रखे हैं उन्हें तो फिर वहाँ पे जनाब पानी नहीं है ना, तो कोई उसको इतना यूज कर रहा है वहाँ, या तो वहाँ से जनाब प्रॉपर समाधान हो जाए या ऐसा हो जाए कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। अब मान लो फिर घर है हमारे, जैसे हमने घर जाना होता है ना जी तो गाड़ी लग जाती है वहाँ जाने के लिए, एक ही तो रास्ता है। आज हमने SDM स्वारघाट जी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे नीचे ग्राम पंचायत री में जो फोर लेन का कार्य चला हुआ है वहाँ गांव में जो गांव बगेरा है बगेरी है रास्तों के बारे में हमने इनको अवगत करवाया, और जो वहाँ पे मकान है बगेरी में वहाँ उनको भारी नुकसान हो रहा है बरसात होने के कारण, हमने वहाँ पे डंगों के लिए भी इनको अवगत करवाया है, और साथ में जो COVID-19 कोरोना महामारी के चलते हुए वहाँ पे नीचे बैरियर लगा है उस पर भी हमने इनको बताया कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। SDM महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वहाँ निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कोरोना को लेकर होगी, बैरियर को लेकर होगी, चाहे फोर लेन को लेकर होगी, क्योंकि फोर लेन के चलते हुए स्थानीय जो वहाँ पर लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। SDM महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम मौके पे जाके इस समस्या का निपटारा करवाएंगे।